अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे ये दोपहर का टाइम है और मैंने चाय रखी है बनने के लिए और यहाँ पर मैं आपको इलायची वाला बॉक्स दिखा रही हूँ ये ख़त्म हुई हुई हैं और मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इनको ना ग्राइंड करके रखूँ और ये इस तरह रख लेना तो बहुत ईजी हो जाता है और इसकी जो खुशबू होती है उसको भी कुछ नहीं होता है एयर टाइट कंटेनर में रख लें बिल्कुल ठीक रहती हैं यहाँ मुझे भूख लग रही थी और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चिल्ले अक्सर होता है ना शाम को चाय के साथ हल्की फुल्की भूख लग जाती है ये वो वाली भूख थी और मैं बना रही हूँ चिल्ले और आप लोगों में से कौन कौन बनाता है ये हो सकता है आप लोग इसको किसी दूसरे नाम से जानते हो लेकिन हम लोग तो चिल्ले ही बोलते थे इसको और ये मेरे नाना अबू के बहुत फेवरेट थे उनके घर बहुत बना करते थे वो शाम की चाय जब बनती थी ना तो मेरी मामी को आवाज़ लगाते थे कि चिल्ले बना लेना साथ इसकी कोई खास रेसिपी तो नहीं है बस यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और उसके अंदर अपनी मर्जी से शुगर डाली है और उसके बाद मैंने पानी के साथ उसको मिक्स कर लिया है और यहाँ पर देखें मैं इसको चेक भी कर रही थी क्योंकि इसमें कोई ऐसी कच्ची चीज़ तो डली हुई नहीं है कि हम चेक नहीं कर सकते और इसको बस अच्छा सा मिक्स कर लेना है और वैसे तो ये डीप फ्राई होते हैं यानी ज़्यादा ऑयल में होते हैं लेकिन मैंने ना ऑयल थोड़ा कम ही लिया था ऑयल तो ठीक है अभी भी लेकिन इनके हिसाब से कम है और अच्छा कुछ लोग ना इसमें अंडे भी डालते हैं और कुछ लोग ना जैसे मैंने पानी से मिक्स किया ना उसके बजाय दूध से भी मिक्स करते हैं तो आप वो करके देख सकती हैं अगर आप ट्राई करना चाहें लेकिन ना वो वो अच्छे नहीं बनते हैं वो बहुत हैवी बनते हैं ये वाले बहुत मज़े के बनते हैं सिर्फ तीन चीज़ें मैदा चीनी और पानी इसको अच्छा सा मिक्स करके और ऑयल आप अपनी मर्जी से ले लें वैसे थोड़ा ज़्यादा ऑयल होता है तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं लेकिन मैंने थोड़ा कम लिया है ऑयल और बस ये फ्राई हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे और चाय के साथ इन्जॉय करेंगे मेरे बच्चे भी खा लेते हैं ये और मुझे वैसे अच्छे लगते हैं मैं वैसे अवॉइड करती हूँ इनको लेकिन कभी कभी खा लेती हूँ आज मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा चले मैं ये बना लेती हूँ क्योंकि आज हमने ना शाम को मेरी बहन के घर जाना है उन्होंने स्टेक दावत की हुई है और स्टेक बनाई हुई है तो उन्होंने आज बुलाया है तो ब्लॉग आखिर तक देखिएगा बहुत मजे का है आगे से ब्लॉग और बस मैं इनको ना मैंने छोटा पैन लिया था कि ऑयल थोड़ा कम यूज़ होगा इस तरह बड़ा ले लूँगी तो वो थोड़े ऑयल में फिर बन नहीं सकेंगे तो लेकिन इसकी वजह से ना मुझे टाइम काफ़ी लग गया था कि इसमें दो से ज़्यादा डल ही नहीं रहे थे और मुझे थोड़े ज़्यादा बनाने थे तो खैर काफ़ी टाइम लगा था फिर भी मैंने कहा मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी ऑयल ज़्यादा नहीं डालूँगी और मैंने भी बस थोड़े से ऑयल में इनको बनाया है और इसलिए ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे और बस यहाँ पर बना लूँगी चिल्ले और आप सुनाएं आपकी रमज़ान की तैयारी कहाँ तक पहुँची मेरी तो ज़ोरों शोर से चल रही है और अभी तक तो मैं सफ़ाइयों में अटकी हुई हूँ घर के कामों में अटकी हुई हूँ वो ख़त्म हो जाएँ तो फिर फ्रीज़र साफ़ करके और फिर इन रमज़ान की तैयारी शुरू करूँगी अभी तो मैं डीप क्लिनिंग में फंसी हुई हूँ वो अकेला मैंने पहले भी कई बार बताया ना अकेला इंसान हो ना फिर बहुत टाइम लग जाता है तो बस अकेला करने वाला हो ना इसी तरह होता है मैं कब से कर रही हूँ और मुझे अब ये फीलिंग्स आने लग गई हैं कि मैं पता नहीं कितने अरसे से लगी हुई हूँ सफाइयाँ और ख़त्म नहीं हो रही हैं और ये देखें मैं आपको मैं कहने लगी थी काट के दिखा रही हूँ तोड़ के दिखा रही हूँ ये बहुत मज़े के बनते हैं और आप लोग अगर ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोग नहीं बनाते हैं और अगर बनाते हैं और किस नाम से बनाते हैं इनको मतलब क्या नाम है तो मुझे वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा अगर आप लोग चिल्ले नहीं बोलते हैं इनको हम लोग तो चिल्ले बोलते हैं और यहाँ पर मैं आपको ऑयल दिखा रही हूँ कि देखें मैंने कितने थोड़े से ऑयल में बनाएँ इससे थोड़ा ज़्यादा था जब मैंने डाला था और जितनी देर में वो बने तो ऑयल थोड़ा और कम हो गया तो मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी और ऑयल और नहीं डालूँगी इसी में बनाऊँगी तो मैं कभी कभी ये बनाती होती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा यहाँ से ख्याल कर जाती हूँ कि चलें थोड़े कम ऑयल में बनाऊँ जहाँ से बचत हो जाए दिल को थोड़ी तसली होती है ना कम ऑयल यूज़ हुआ है और यहाँ पर बन गए चिले और मैं चाय के साथ खाऊँगी और ये सब के लिए थे सिर्फ मेरी नहीं थी इतनी बड़ी प्लेट और ये शाम का टाइम है चाय पीने के बाद मैंने थोड़े काम किए घर के और अब हम जा रहे हैं मेरी बहन के घर स्टेक खाने और मुझे बहुत जल्दी थी उनके घर पहुंचने की इसलिए सबसे पहले मैं निकली थी घर से और फिर मैं बाहर से आवाज़ें दे रही थी सबको जल्दी आ जाओ देर हो रही है मेरे साथ ना ये थोड़ा सा मसला है कि जब मैंने किसी के घर जाना हो ना तो मुझे ये होता है कि जो टाइम दूसरों को दिया हुआ है या दूसरे ने आपको दिया हुआ है आप उस हिसाब से पहुंच जाएँ चलें जी फाइनली सब आ गए और अब हम जा रहे हैं और मेरे घर से ना पाँच मिनट का आई थिंक फासला है उनके घर तक का और पाँच या छः मिनट मैक्मम क्योंकि जब वो मूव हुए थे ना यहाँ पर तो और हम उनके लिए घर ढूँढ रहे थे तो हमने ट्राई किया था हमारी भी थी उनकी भी थी ये ट्राई के ज़्यादा दूर ना मिले घर तो इसलिए शुक्र है अल्लाह का घर नज़दीक मिल गया था और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर तीन गाड़ियाँ चार थी या तीन थी वो आपस में ना ज़िद लगा के खड़ी हुई थी एक दूसरे के साथ कि भाई यहाँ से मैंने मूव नहीं होना है पहले दूसरा मूव होगा यहाँ पर ना इस तरह के मसले बहुत हैं और यहाँ पर जब नई पास करते हैं ना गाड़ी तो इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं और आसपास के लोग भी कहते हैं कि आपने रोड से ज़्यादा केयरफुल इन स्ट्रीट्स के अंदर रहना है कि यहाँ पर जो ज़्यादा एक्सीडेंट या ज़्यादा इस तरह के हैपन होते हैं ना वो इन गलियों में होते हैं और यहाँ पर ना बहुत केयरफुल होकर गलियों में गाड़ी चलानी पड़ती है रोड से ज़्यादा तो चलें हम पहुंच गए उनके घर और उनके घर के आगे भी ना जिस तरह मेरे घर के आगे ग्राउंड बना हुआ है ना सॉरी ग्राउंड तो इनके घर के आगे मेरे घर के आगे जैसे वो एक स्पेस है ना ग्रीन सी वो इस तरह ना इनके घर के आगे प्रॉपर एक बड़ा सा ग्राउंड है और समर में ये बहुत अच्छा लगता है मैं भी आपको दिखाती हूँ ये हमारे घर से ज़्यादा बड़ी जगह इनके घर के आगे और इस ग्राउंड में ना काउंसिल की तरफ से दिवाली पे बहुत बड़ा फायर वर्क होता है तो हमारा तो ये पहला साल था ये भी मूव हुए हैं इधर इस तरफ आना ही नहीं होता था पहले तो मैं आ नहीं सकी थी इस बार भी हुआ था मेरी बहन ने वीडियो भेजी थी मुझे ये आगे हम इनके घर और ये हमारा वेट कर रहे थे और यहाँ पर ना इन्होंने हमारे आने की खुशी में बड़ी कैंडल्स वगैरह जलाई हुई थी यहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर तो बहुत कुछ है चिप्स बन रहे हैं यहाँ और यहाँ वेजिटेबल्स हैं और यहाँ चिप्स हैं और यहाँ स्टेक्स हैं आई थिंक और मैं इनके लिए स्वीट्स लेकर आई थी क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपने ना मिठाई नहीं लेकर आनी है और ये गाड़ी की खुशी में लेकर आई थी मैं इनके घर क्योंकि गाड़ी जब चेंज हुई है ना जब से मैं इनके घर पहली बार आई हूँ आज ये लोग मिठाई नहीं खाते हैं शौक से तो इसलिए इन्होंने मुझे मना किया था और अच्छा ही हुआ इन्होंने मना कर दिया वरना मुझे तो यही था कि मैं मिठाई लेकर जाऊँगी और यहाँ पर टेबल बहुत प्यारा इन्होंने सेट किया हुआ था सब चीज़ें रखी हुई थी रेडी करके बस हमारा वेट कर रहे थे स्टेक रहती थी अभी बनने के लिए यहाँ पर मैश्ड पोटैटो हैं और वेजिटेबल्स हैं और सॉस बनाया हुआ था इन्होंने बहुत मज़े का अभी मैं दिखाती हूँ आपको और चिप्स थे साथ और ये सब चीज़ें ही बहुत मज़े की थी मेरा बेटा खाता है स्टेक और इस तरह की चीज़ें और मैं खाती हूँ और बाकी मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है लेकिन हम सब लोग गए हुए थे और आज सब ने खा लिया था और मेरे हस्बैंड तो इस तरह की चीज़ें खाते ही नहीं हैं लेकिन उन्होंने भी खा ली थी सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था तभी मेरे बच्चों ने भी खा लिया सब ने खा लिया क्योंकि इसने जब मुझे कॉल की ना कि शाम को स्टेक दावत है आपके यहाँ पर आना है आपने तो इसे मैंने कहा मैं और मेरा बेटा आ जाएंगे बाकी सब का मैंने कहा कि वो लोग नहीं खाएंगे तो उसने कहा आप ले तो आना ना उनको कहना आ जाए और हो सकता है उनको अच्छा लगे तो अच्छा ही हुआ सब आ गए थे और यहाँ पर ना बहुत मजे मजे की बातें कर रहे थे और हंसी मजाक हो रहा था और मुझे ये था कि मैं ये ब्लॉग ना उसी तरह ही डाल दूँगी और अभी जब मैं इसको एडिट करने बैठी हूँ ना तो ये व्लॉग मुझे काबिल ही नहीं लगा कि मैं उस तरह डाल दूँ तो मैंने अभी इसको कॉल की कि ये व्लॉग तो वैसे जाने के काबिल ही नहीं है मैं भी हंस रही थी इसके साथ कि अगर मुझे पता होता ना कि ये होगा मेरे साथ बाद में तो मैं स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाती तो वो डालने के काबिल तो होता ना ये वो तो डालने के काबिल ही नहीं था खैर यहाँ पर मैं सॉस चेक कर रही थी और ये सॉस ना बहुत मज़े की थी और मैं चिप्स के साथ खा रही थी इसे मैंने इनको बोला था कि आप लोग मुझे रेसिपी देना इन सब चीज़ों की तो मैं भी बनाऊँगी और जब मैं बनाऊँगी ना फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि जिस रेसिपी से इन्होंने बनाया मैंने अभी तक इस रेसिपी से नहीं ट्राई किया है यहाँ पर ये यह मुझे कह रही थी कि एक दिन ना मैं ढाबा खोलूंगी इसको ना होटल खोलने का बहुत शौक है इसको होता है कि मैंने होटल खोलना है पाकिस्तान में भी होता था और यहाँ आने के बाद भी इसको है तो मुझे यहाँ पर बोल रही थी कि जब मैं ढाबा खोलूंगी ना तुम तो अपने चैनल के थ्रू ना उसकी पब्लिसिटी करना मैंने तो मैंने कहा ठीक है तुम खोलने वाली बनो फिर मैं करूँगी तो इन अल्लाह करे कि उसकी ये विश पूरी हो जाए उसको बहुत शौक़ है यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया था और सबसे पहले बच्चों को दी प्लेट्स बनाकर क्योंकि बच्चे ऊपर बेडरूम में बैठे हुए थे तो हमने उन्हें कहा कि आप लोग वहीं पर ले जाएं और इजी होकर खा लें और ये बस पूछ पूछ के बच्चों को दे रहे थे क्योंकि मेरे बच्चे ना सब्जियां नहीं खाते तो मैं इसे मना कर रही थी कि वेस्ट करेंगे उनको सब्जियां ना देना तो यहाँ पर यह उनको कह रही थी कि बहुत मजे की आप ट्राई करके देखें तो मेरी बेटी उसको बता रही थी कि मैं पहले खा लेती थी लेकिन ना एक बार मैंने स्कूल में वेजिटेबल्स खाई थी और उसके बाद ना मेरा वेजिटेबल से ना दिल उठ गया जैसे ना ये मिक्स वेजिटेबल जो होती हैं तो उसको ज़ाहिर स्कूल में अपने स्टाइल से उन्होंने बनाई हुई थी तो इसने कहीं वहाँ से खा ली उसके बाद से ये नहीं खाती है वेजिटेबल्स ये कहती है जैसे ही मैं खाने लगती हूँ ना मुझे स्कूल वाला टेस्ट याद आ जाता है आह आता भूल जाएगी और फिर खाने लग जाएगी क्योंकि ज़ाहिर स्कूल में तो वो इंग्लिश टाइप का फूड देते हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया होता है और हर चीज़ बुरी नहीं होती है कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं मैंने एप्पल क्रम्बल की रेसिपी आपसे शेयर की थी वो इंग्लिश रेसिपी है और वो मुझे बहुत पसंद है तभी मैंने शेयर की थी आपके साथ और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा उसको और स्कूल में भी ना जब मेन्यू चेंज करते हैं ना तो वो कुछ सिलेक्टेड पेरेंट्स होते हैं उनको बुलाते हैं अब नहीं बुलाते हैं कोरोना से पहले तक बुलाते थे तो वो उनको अपना पूरा मेन्यू ना सर्व करते थे कहते थे आप टेस्ट करके बताएं कैसा है तो मैं कई बार गई हुई हूँ क्योंकि स्कूल में वॉल्टियर एज ए वॉल्टियर नाम दिया हुआ हो ना तो वो आपको फिर बुलाती हैं चीजों के लिए तो मैं कई बार गई हुई और बहुत अच्छी चीजें होती हैं और हेल्दी चीजें होती हैं बच्चों को बच्चों के हिसाब से देते हैं वो चीजें तो इसने बस वो वेजिटेबल्स खा ली इसको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो उसके बाद से इसने छोड़ दी तो ये देखें मेरी प्लेट बन गई और ये बहुत मजे की थी मैं से कह रही थी कि फिर बनाना किसी दिन मैं फिर आऊँगी और बहुत मज़ा आया आज स्टेक खा के इनके घर जाकर बातें करके और अभी मुझे बहुत हंसी आई वो बातें सुन के और आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा काश मैं वो शेयर कर सकती हूँ आपके साथ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करूँगी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा मिलेंगे कल मैं यहाँ पीने लगी हूँ चाय अल्लाह हाफिज़